हम क्या करें? बीजेपी आपका शत्रु है, हम क्या करें? उनको इतना ही समझ में नहीं आ रहा है कि अकल सिर्फ उन्हीं का क्वालिटी ऐसा नहीं है। बंगाल में अकल बहुत लोगों के पास है। पहले डराने का खेल, उसके बाद खरीदने का खेल, उसके बाद अपनी दुर्बुद्धि का खेल। लोग बंगाल में समझ चुके हैं, जब ट्रेन में, बस में और ऑटो में और टैक्सी में सब बातें होती हैं ना, ड्राइवर्स के बीच में, कॉमन लोगों के बीच में, तब समझ में आ जाता है लोगों को असलियत क्या है। सीट जीतना वो एक नंबर है, और कितने डिफरेंस में जीतना वो भी बड़ा सोचने वाली बात है। तो ये ममता बनर्जी को सोचना पड़ेगा कि जिस वजह से लोगों ने उनको चुन के लाए थे, उन्होंने सबको ठग दिया है। पिछले लगभग साल भर के आसपास जो कई निकाय चुनाव हुए हैं, कुछ सीटों पे विधायकों के चुनाव भी हुए, बीजेपी लगातार सेकेंड स्थान प्राप्त कर रहा है, तो ये क्या एक मैसेज लग रहा है कि आने वाले समय में बीजेपी सरकार में आ सकती है? आप मुझे ये बताइए, 21 जुलाई का जो इन लोगों का प्रोग्राम था ममता जी का, वहाँ पे कुछ लगा आपको? 21 जुलाई का प्रोग्राम के साथ 21 जुलाई का महत्व के बारे में कुछ आपको लगा उस प्रोग्राम के जरिए दौरान? सारे स्पीच जितने सारे थे वो बीजेपी को लेकर थे, वो हमारे जो स्टेट प्रेसिडेंट है दिलीप घोष महाशय ने बहुत सही कहा है कि 21 जुलाई का वो टोटल प्रोग्राम में ये साबित हो गया कि वो लोग अंदर ही अंदर से कितना डर रहे हैं, दिख रहा है उनको। देखिए, बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी का रूल का जो तरीका है वो टीएमसी और सीपीएम से, कांग्रेस से बड़ा अलग है। किस लिए अलग है, किस लिए लोग जुड़ रहे हैं आज इतने सारे? आप हमेशा गरीब के लिए लड़ रहे हो, बोल के दावा कर रहे हो, लेकिन ये 70 साल बाद किसी ने कभी नहीं किया कि गरीबों का एक बैंक अकाउंट, कभी नहीं किया। गरीब एक ठेले वाला का कभी कोई एक इंश्योरेंस पॉलिसी हो सकता है? कभी नहीं की, नहीं किया, किसी ने नहीं किया। हमको याद है, हम 25-30 साल से हम काम कर रहे हैं अपना प्रोफेशन में, मैंने अपने घर में जितने सारे असिस्टेंट होते हैं काम के लोग, उनको कितने सालों से मैं बोल रही हूँ कि चलो तुम अपने हाथ में पैसा मत लो, मैं तुमको साथ ले जाती हूँ अपने बैंक से, अपने बैंक में तुम्हारा गारंटर खड़े होके तुम्हारा बैंक अकाउंट कर देती हूँ। नहीं नहीं नहीं, हम नहीं करेंगे। क्यों? इतने सारे हमारे स्कैम चल रहे हैं, चिट फंड चल रहे हैं। चिट फंड के लिए लोग, उनको यही लगने लगा था कि चिट फंड की वजह से हम लोग को पैसा बड़ा हो जाएगा, बैंक तो बहुत बड़ा बड़ा चीज़ है, जाने की जरूरत नहीं, डर लग जाएगा। आज मुझे ये खुशी होती है कि साधारण लोगों के लिए सोचा किसने। तो आज अगर आप बंगाल में ये बीजेपी का ग्रोथ आप देख रहे हो, इसकी वजह डर नहीं है, इसकी वजह एक आशा है कि हम एक बार सही तरीके से जिए देखे तो सही, हमारा बाल बच्चे भी अच्छे से पढ़ाई करे तो देखी, वो तो देखते हैं, ऐसे कैसे क्यों नहीं हो सकता है। तो ये एक वजह है जहाँ पे सोशल चेंज चाहिए, सोसाइटी के अंदर से वो चेंज आना चाहिए। ये जो इतने सारे ट्रेन दुर्घटना घट रहे हैं, आज लोगों को सोचना चाहिए कि ट्रेन का टिकट हम चोरी नहीं करेंगे, हम ट्रेन का टिकट काटेंगे। हम रेल लाइन जब ऐसे ऊपर जा रहा है, वहाँ से नीचे से बाइक लेकर नहीं जाएंगे। ट्रेन को बहुत मुश्किल से, इतने स्पीड से आते हुए उसको ब्रेक करना मुश्किल हो जाता है। ये आदत, ये
सोशल चेंज चाहिए। सरकार आपको क्या देगा वो सोचते सोचते आप जिंदगी भर बिता दोगे। अरे सरकार को आपने क्या दिया ये तो पहले सोचो, ये भी सोचना बहुत ज़रूरी है। ये आज पश्चिम बंगाल में इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का इतना अच्छा जो उभर के आ रहा है, लोगों की वो संख्याएं उभर के आ रही है, वजह यही है कि लोग आज चाह रहे हैं कि हम सब एक सही ज़िंदगी की तरह आगे बढ़े। ममता बनर्जी ने कल सुप्रीम कोर्ट के फैसले प्राइवेसी लॉ को वेलकम किया, वहीं ट्रिपल तलाक जो केंद्र सरकार ने अच्छी शुरुआत की, लाल किले से प्रधानमंत्री ने घोषणा की, उस मुद्दे पे ममता शांत है। यहाँ भी कहीं ना कहीं ममता का राजनीतिकरण है। देखिए शांत की बात नहीं है, एक्चुअली ये बहुत विरोध करती आ रही थी ट्रिपल तलाक को लेकर। हम लोग जब बंगाल में ट्रिपल तलाक को लेकर प्रोग्राम कर रहे थे तो जिला जिला में बहुत तकलीफ़ें हुई हमारे कार्यकर्ताओं को, पश्चिम बंगाल बीजेपी के कार्यकर्ताओं को। सारे जिला में, मंडल में, बहुत सारे जगह पे प्रोग्राम किए हैं हम लोगों ने लोगों के लिए। और ट्रिपल तलाक मुद्दा या यूनिफॉर्म सिविल कोड मोरलिस्ट जुड़ा हुआ है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक पार्ट है ट्रिपल तलाक। तो हम ट्रिपल तलाक लेकर और यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर बहुत सारे वहाँ पे चर्चा की थी, तो हमको दिख रहा था तभी। और ममता जी के लोग और उनके पार्थ चटर्जी, उनके जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनके इर्द गिर्द जो जितने सारे मुस्लिम लीडर्स हैं, वो लोग भरी सभा में सबके सामने अनाउंस किए हैं कि दे डोंट बिलीव इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ चेंजेस। ऐसा बोला है कि हम हमारी बीवी के साथ हम क्या करेंगे, वो आपका सोचने की बात नहीं है। तो बहुत सारी अलग अलग चीज़ें, अलग अलग बातें उनके टीम से कहा गया है और उन्होंने हमारे हम लोगों के ये आंदोलन को बहुत विरोधिता की है। तो आज सुप्रीम कोर्ट के राय से उनको ये समझ में आ चुका है कि मुसलमान महिलाएं जो बहुत सालों से तकलीफ में थी, उनको सताया जा रहा था, इनसे आज छुटकारा मिल गई है उनको, वो लड़ सकती है। उनके पास एक आईन मुकम्मल होने का अगले 6 महीने के अंदर ऐसा मौका है जो जिससे वो इसे छुटकारा मिल सकती है। तो मुसलमानों के बीच में भी मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो आपको सामने में बोलते हुए, गलत बोलते हुए, गंदा कहते हुए, भारत के खिलाफ बोलते हुए जो लोग दिखते हैं, वो एक अलग टीम है। और एक अलग टीम है मुसलमान के अंदर भी, जिनको समझ में आ गया है कि इतने साल से हम शोषित हुए हैं और पॉलिटिकली हमको नचाया गया है। तो ये ट्रिपल तलाक का ये जो जीत है, उन्हीं लोगों को सहाय, उन्हीं लोगों का सहायत है कि साथ ये जीत है। ये आपको समझना पड़ेगा, ये भारत है। पश्चिम बंगाल में ज़्यादातर करके हमारे वहाँ पे बहुत ज़्यादा मुस्लिम परसेंटेज हैं लोगों के, तो वो कभी बंगाल से अलग नहीं रहे हैं। उनको बंगाली, खुद को बंगाली बोलते हैं, तो उसको खुद को पाकिस्तानी नहीं बोलते। तो जो खुद को बंगाली बोलते, जो खुद को भारतीय बोलते हैं, उनको आप कैसे तुष्टिकरण के बीच में रखना चाहेंगे? एक एक रिलीजन को ऐसे पकड़ के आप उनको बदनाम कैसे कर सकते हैं? ममता जी उनके अंदर भेद बना चुकी हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व जो मोदी जी और अमित शाह जी दे रहे हैं, उससे साफ जाहिर है कि वो किसी भेदभाव पे विश्वास नहीं रखते। सबका साथ, सबका विकास। एक लास्ट क्वेश्चन, ममता दीदी ने बोला है कि प्रधानमंत्री के साथ हम काम करने में सहज